Now, how to frame interrogative sentence in past perfect tense? How to frame interrogative sentence? In spoken term, we call it yes no questions. Structure for interrogative structure for interrogative sentence. Now, here, how to frame interrogative sentence in past perfect tense? How to frame interrogative sentence in past perfect tense? In spoken term, we call it yes no question. Interrogative sentence को हम spoken term में yes no question कहते हैं. Now, it is generally asked to question या हमेशा question के लिए use किया जाता है. Now, structure for interrogative sentence. Structure for interrogative sentence. Our structure will be head plus subject plus epithet plus object, noun and adjective, then question mark. हमारा structure होगा head plus subject, epithet plus object, noun and adjective, then question mark. ये आपका interrogative के लिए structure है, interrogative sentence को हम इसको yes no question कहते हैं. Now our example will be head they informed him about a job. Had they informed him about a job? Its meaning will be क्या उन्होंने उसको जॉब के बारे में इन्फॉर्म किया था? क्या उन्होंने उसको जॉब के बारे में इन्फॉर्म किया था?
नेक्स्ट, हैड वी टोल्ड देम फिजिक्स व्हेन मैम ऑफ एब्सेंट, हैड वी टोल्ड देम फिजिक्स व्हेन मैम ऑफ एब्सेंट, एंड हिंदी में विल बी क्या हमने उनको फिजिक्स पढ़ाई थी जब मैम एब्सेंट थी, क्या हमने उनको फिजिक्स पढ़ाई थी जब मैम एब्सेंट थी। नेक्स्ट एग्जांपल, हेड राकेश डेकोरेटेड हाउस ऑन फेस्टिव ओकेशन, हेड राकेश डेकोरेटेड हाउस ऑन फेस्टिव ओकेशन, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या राकेश ने फेस्टिव ओकेशन पे हाउस को सजाया था, क्या राकेश ने फेस्टिव ओकेशन पे हाउस को सजाया था। नेक्स्ट एग्जांपल, हेड टीना एप्रिशिएटेड इन अ क्लास, हेड टीना एप्रिशिएटेड इन अ क्लास, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या टीना ने क्लास में तारीफ की थी, क्या टीना ने क्लास में तारीफ की थी, एप्रिशिएटेड मींस तारीफ करना, ऑब्लिक फ्रेस्ट। नेक्स्ट, हेड एन आर्टिस्ट इंडल्ज देयर फ्रेंड इन अ प्रोग्राम, हेड एन आर्टिस्ट इंडल्ज देयर फ्रेंड इन अ प्रोग्राम, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या आर्टिस्ट ने अपने फ्रेंड को प्रोग्राम में शामिल किया था, क्या आर्टिस्ट ने अपने फ्रेंड को प्रोग्राम में शामिल किया था। Now, how to construct sentence on interrogative plus negative in past perfect tense? How to construct sentence on interrogative plus negative in past perfect tense?
इंट्रोवर्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रो प्लस नेगेटिव आर इज सेड टू बी नेगेटिव क्वेश्चन। इंट्रो प्लस नेगेटिव हम स्पोकन टर्म में नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं ऑब्लिक यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन एंड नेगेटिव क्वेश्चन बोथ आर सेम एंड इंट्रोवर्टिव को हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। आप उसे नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं या फिर यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। नाउ स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोवर्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आर स्ट्रक्चर विल बी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोड प्लस एम्बिटेड प्लस ऑब्जेक्ट नाउन एन एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। अगेन हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोड प्लस एम्बिटेड प्लस ऑब्जेक्ट नाउन एन एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोवर्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन बी फ्रेम्ड बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करके फ्रेम कर सकते हैं। क्या करेंगे आप नोड और हेड को साथ में कंबाइन करेंगे। यू विल कंबाइन नोड एंड हेड साइमल्टेनियसली। ये हो जाएगा आपका नोड और हेड हेड एंड वी कॉल इट हेड एंड सब्जेक्ट एम्बिटाइट ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर विल बी सेम। दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आप सेकंड वाला को ज्यादा प्रेफर करें। दिस इज सेड टू बी एडवांस इंग्लिश। ये एडवांस में आ जाता है। आप सेकंड स्ट्रक्चर को ज्यादा फॉलो करें। और ये इट इज योर चॉइस वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। ये आपकी चॉइस है आप जो भी यूज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल हेड दे नोड रिपेयर्ड योर मोबाइल। इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या उन्होंने आपका मोबाइल रिपेयर नहीं किया था। अगेन क्या उन्होंने आपका मोबाइल रिपेयर नहीं किया था। डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ अभी इसी सेंटेंस की जो फ्रेमिंग मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके की है। जैसा हुआ है हैडन दे रिपेयर्ड योर मोबाइल। हैडन दे रिपेयर्ड योर मोबाइल मीनिंग विल बी सेम क्या उन्होंने आपका मोबाइल रिपेयर नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैड सी नॉट जंप इनटू द वेल। हैड सी नॉट जंप इनटू द वेल इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या वो कुएं में नहीं कूदी थी। क्या वो कुएं में नहीं कूदी थी। आप इस सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करके फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप हेड और नोड को साथ में कंबाइन करेंगे। हैडन सी जंप इनटू द वेल। हैडन सी जंप इनटू द वेल मींस मीनिंग विल बी सेम क्या वो कुएं में नहीं कूदी थी। नेक्स्ट हैड आई नॉट क्रिटिसाइज हिम व्हाइल डूइंग वर्क। हैड आई नॉट क्रिटिसाइज हिम व्हाइल डूइंग वर्क इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या मैंने काम करते समय उसकी आलोचना नहीं की थी। क्या मैंने काम करते समय उसकी आलोचना नहीं की थी। ठीक दीज आर सेंटेंसेस दैट हैज टू बी वेड ऑन इंट्रोवर्टिव प्लस नेगेटिव। ये सेंटेंस है जो इंट्रो प्लस नेगेटिव पे बनाना है। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा इंट्रो प्लस नेगेटिव कैसे बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगेन इसको हम नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं या फिर यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। नाउ वी लुक डब्ल्यू एस क्वेश्चन। डब्ल्यू एस क्वेश्चन ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ टू कंस्ट्रक्ट डब्ल्यू एस क्वेश्चन। स्ट्रक्चर फॉर डब्ल्यू एस क्वेश्चन डब्ल्यू एस राइट समटाइम्स नेम विल बी गिवन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम्बेडेड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक नाउन एंड एडजेक्टिव। एग्जांपल
Now here we are looking how to construct WH question in past perfect tense. How to construct WH question in past perfect tense? Only we call it WH words. Now structure for WH family, WH word. Sometimes name will be given. ये name rare case में होता है. Only 10% case में you will have to put name. Only 10% case में आपको name put करना है. वो मैं अभी आपको नीचे बता रहा हूँ. यहाँ पे दो वर्ड होते हैं whose and which, जिस कंडीशन में आपको नेम पुट करना कंपलसरी, अदरवाइज डब्ल्यू एच का कोई ऐसा वर्ड नहीं है, आपको नेम उसमें पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेम प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एंट्री टाइप प्लस ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव देन क्वेश्चन मार्क. अगेन डब्ल्यू एच वर्ड समटाइम्स नेम विल बी गिवन. दिस इज ओनली टू वर्ड, वन इज विच, सेकेंड इज शुड, दैट कंटेन विद नेम. Otherwise, no need to put them in any way of WH questions. Head plus subject plus ambitite plus object noun and adjective. Now, example, what had he told you a day before yesterday? Its Hindi meaning will be, परसों उसने आपको क्या बताया था? आप देख रहे होंगे डब्ल्यू एच वर्ड, ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, आपका हेड है, सब्जेक्ट ही टोल्ड एवरी थर्ड, यू टू यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. अभी ये जो हमने नेम ब्रैकेट में लिखा था, ये वर्ड वर्ड के साथ में कभी कंटेन नहीं होता. रेयर केस में हमें लगाना पड़ता है, वो भी 10% केस. वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. व्हाट हेड नेहा आस्क्ड इन अ ऑफिस. व्हाट हेड नेहा आस्क्ड इन अ ऑफिस. सिंधी मीनिंग विल बी, नेहा ने ऑफिस में क्या पूछा था. नेक्स्ट, व्हाट क्वेश्चन हैड दे मेंशन इन सिलेबस. व्हाट क्वेश्चन हैड दे मेंशन इन सिलेबस. इट्स सिंधी मीनिंग विल बी, उन्होंने सिलेबस में कौन से क्वेश्चन मेंशन किए थे. ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ये व्हाट क्वेश्चन, ये वर्ड जो है जब विच का मीनिंग शो करे, ये जो वर्ड है ये वर्ड विच का मीनिंग शो करे, ये वाले विच का मीनिंग शो करे, तो आप डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में नेम पुट करेंगे. ये वर्ड है, ये वाला वर्ड विच का मीनिंग शो कर रहा है, इसकी ये हिंदी हुई थी, उन्होंने सिलेबस में कौन से क्वेश्चन मेंशन किए थे, कौन से क्वेश्चन बताए थे. अभी विच का मीनिंग वर्ड दे रहा है, तो ये आपने डब्ल्यू एच वर्ड लिखा, फिर आपने नेम लिखा. नेम मीन्स आपका कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, किसी के पर्टिकुलर इवेंट्स हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, किसी का नाम होता है, वी कॉल इट नेम. इसको हमने नेम कंसिडर किया. फिर आपका हेड सब्जेक्ट एम्बिटेड ऑब्जेक्ट. नाउ जब व्हाट विच का सेंस देगा तभी आपको डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में नेम पुट करना है. मेनली आपका विच मूवी हेड दे वॉच इन द थिएटर. विच मूवी हेड दे वॉच इन द थिएटर. एट संडे मीनिंग विल बी, उन्होंने थिएटर में कौन सी मूवी देखी थी. अभी आप लोग देख रहे होंगे ये विच वर्ड है, विच विच के साथ जब भी आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे विच के साथ में, ये आपका नेम, ये जो नेम लिखा ब्रैकेट में, ये इसको कंटेन करेगा. ओनली विच के केस में. और एक होता है हुज, ये दो वर्ड के साथ आपको कंपलसरी नेम पुट करना. नेक्स्ट, हुज ड्रेस हैड राधा चूजन फ्रॉम अ शॉप. Whose dress had Radha chosen from a shop? Its Hindi meaning will be, राधा ने शॉप से किसकी ड्रेस चूज करी थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे ये हुज है, हुज के बदले भी आपका नेम आया, यही नेम जो मैंने ब्रैकेट में बताया, ये ड्रेस, वी कॉल इट आइटम. है सब्जेक्ट राधा, इनविटेड ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव. Now next, why had he offered him a job? Its Hindi meaning will be, उसने उसको जॉब क्यों ऑफर की थी. आप लोग देख रहे होंगे एक्सेप्ट ये दो वर्ड के बाद में मैंने नेम कहीं नहीं पुट किया. ओनली देर आर टू वर्ड दैट टेक्स नेम टू फ्रेम सेंटेंस, विच एंड हुज. हाउ मेनी आर्टिस्ट had exhibited their skill in a program. How many artists had exhibited their skill in a program? Its Hindi meaning will be, कितने artists ने
प्रोग्राम में अपने स्किल को दिखाया था, कितने आर्टिस्ट ने प्रोग्राम में अपने स्किल को दिखाया था। एक्सिबिट की प्लस पे आप डेमोन्स्ट्रेट लिख सकते हैं और ऑब्लिक सॉल्व लिख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एंड सॉल्व बोथ आर सिमिलर है। Here we are taking word who. Who? How to ask question by using who in past perfect tense? Who के केस में ये जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर who फॉलो नहीं करता। In case of who, you will put who plus field plus ambitide plus object. Noun and adjective. Only for who? Only who? Who में आपका subject का कोई role नहीं होता। Who फिर head होगा आपका, ambit head होगा, फिर आप object, noun and adjective, then question mark. This structure can be used to ask question. Only care, only who. Example. Who had invented aeroplane? Who had invented aeroplane? Who had invented aeroplane? Its Hindi meaning will be aeroplane की खोज किसने की थी? Aeroplane की खोज किसने की थी? Invented will discover. Who had narrated him ghost tales? Who had narrated him ghost tales? Who had narrated him ghost tales? Its Hindi meaning will be उसे भूतों की कहानियां किसने सुनाई थी? उसे भूतों की कहानियां किसने सुनाई थी? अभी आप लोग देख रहे होंगे टेल्स मीन्स स्टोरी, स्टोरी। अभी आप समझ रहे होंगे ये हु हो गया, हेड ये आपका एम्बिट हेड, ये ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। ये आपका हु है, ये आपका हेड हो गया, ये आपका एम्बिट हेड, ये ऑब्जेक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। हु के केस में आपका सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्मर है नहीं, यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई परफॉर्मर है नहीं। दैट इज व्हाई वी डू नॉट कीप सब्जेक्ट इन केस ऑफ हु। हम उनके केस में सब्जेक्ट नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे कोई परफॉर्मर नहीं होता। नेक्स्ट, ओनली फॉर हु। नाउ अगेन वी आर टेकिंग एग्जांपल। How had leader addressed population and the speech? How had leaders addressed to population in the speech? How had leaders addressed to population in the speech? Its Hindi meaning will be leaders ne population ko स्पीच में कैसे संबोधित किया था? लीडर्स ने पॉपुलेशन को स्पीच में सॉरी हाउ है ये आप जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग है। ये जो ओनली आपका हु होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, बाकी ऑल आर सेम। अगेन हाउ लॉन्ग हैड टूरिस्ट स्टेड होटल।
टूरिस्ट स्टेड इन अ होटल, हाउ लॉन्ग हैड टूरिस्ट स्टेड इन अ होटल, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी टूरिस्ट होटल में कितने देर तक रुके थे, टूरिस्ट होटल में कितने देर तक रुके थे या फिर टूरिस्ट होटल में कब तक रुके थे, बोथ मे बी इट्स हिंदी। नाउ नेक्स्ट devotees had devotees visited in temple. How often had devotees visited in temple? How often had devotees visited in temple? Its Hindi meaning will be devotees temple में कितने बार visit किया था? Devotees ने temple में कितने बार visit किया था? Next word. How much fine had cough how much fine said the manager imposed breaking no. How much fine had a manager imposed for breaking law? How much fine had a manager imposed for breaking law? Its Hindi meaning will be manager ne law todne ke liye kitni fine लगाई थी, मैनेजर ने लॉ तोड़ने के लिए कितने फाइन लगाई थी। अभी आप लोग देख रहे होंगे ये हाउ मच है, फिर मैंने ये आपका जो मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट में लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेमिंग है, हाउ मच फिर नेम हेड सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगेन हाउ मच ब्रैकेट में नेम जो मैंने लिखवाया था यही नेम, ये हाउ मच के केस में भी आ जाता है समटाइम्स हेड एंड सब्जेक्ट and we third object. Now we look at another example. Quantity of rice had chef bought how much quantity of rice had chef brought how much quantity of rice had chef brought its Hindi meaning will be chef कितनी rice कितनी quantity rice लाया था से कितनी क्वांटिटी राइस लाया था ये इसकी हिंदी मीनिंग है। नाउ आप लोग यहाँ देख चुके होंगे मैंने किस तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड में सेंटेंस की फ्रेमिंग करी है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर थे उसको भी यूज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर था आपका डब्ल्यू एच वर्ड में, वो ओनली हु के केस में था वो भी मैंने आपको यहाँ पे टोटल डिस्क्राइब कर दिया। इस तरीके से आप डब्ल्यू एच वर्ड में और भी सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं, For what, by, where, who, whom, when, there are similar words that can be used for constructing sentences in WH questions. Now, one more thing I want to share with you, by perfect tense, that is mandatory topic for speaking English. It will help you how to have conversation with
someone, strangers, friend, parents, colleagues, anywhere. Means मैं आपको इस पर कन्वर्सेशन पार्ट बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश का. यू शुड वॉच माई कन्वर्सेशन वीडियो हाउ टू हैव कन्वर्सेशन टू समवन ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज वेरी मैंडेटरी टॉपिक. इट विल हेल्प यू फॉर इंक्रीजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल. राइट फॉर एंड इफ यू लाइक माई वीडियो